हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनी सैनी। आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम राजयक्षमा से कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद में। तो हम पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? कॉन्टेजियस एयर बॉर्न डिजीज है। ये एयर बॉर्न मतलब एयर से होता है, जिसमें माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स होते हैं। जिसमें माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बॉबिस, माइकोबैक्टीरियम कैनिटी और एफिकेनम माइक्रोटी, ये सब इसके कॉम्प्लेक्स हैं। कॉमन जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। ये आपके लंग्स के पैरेन्काइमा को इफेक्ट करता है, लेकिन बहुत कम ये आपके अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हिस्टोरिकली इसमें वेराइटीज ऑफ नेम से हम जानते हैं, टीबी कह सकते हैं, कॉच डिजीज, कंजप्शन, थाइसिस, क्रोफुला और पॉक्स डिजीज, ये सब टीबी के अलग अलग नाम हैं। तो देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, जो एसिड पार्ट 16 दिया है हमने, जिसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रिजर्वॉयर कौन होता है? ह्यूमन एक ओनली नॉन रिजर्वॉयर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। इन्फेक्शन एजेंट जो होता है मेनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं, जो कि 12 वीक में आपका डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी आपकी वीक होगी तो आप जल्दी ही इसके सिम्टम्स दिखेंगे। पोर्टल ऑफ एंट्री, एंट्री कैसे लेता है? इन्हेलेशन मतलब एयर में अगर ये प्रेजेंट है तो ये आपके वाया एयर ड्रॉपलेट निकले से ये आपका स्प्रेड होता है, या ड्राइड स्प्यूटम हो उससे आपका स्प्रेड होता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट सनलाइट से, और ये आपका सर्वाइव कर सकता है अप टू 6 मंथ आउटसाइड द बॉडी। एक्सट्रीमली रेयर इन्फेक्शन अगर माइकोबैक्टीरियम बॉबिस से है तो ये इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, या जैसे एपीएम या ड्रेसिंग कंटेमिनेशन प्रोडक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हंटिंग, स्लॉटर, इन सब से हो सकता है, या ट्रांसप्लेसेंटल रूट। जैसे कंजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है, फीटस को जा सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। नेक्स्ट इसमें पोर्टल ऑफ एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर कैसे आएगा ये, तो कप, स्नीज, इन सबसे बाहर आ सकता है। आप छींकते हैं या खाते हैं, उस वजह से ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बाहर आ सकता है। और ये आपके स्टूल के थ्रू भी आ सकता है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, यूरिन के थ्रू, यूरोजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। इसमें पैथो फिजियोलॉजी हम देखेंगे। देखिए एक्सपोज कैसे होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, अगर इन्फेक्शन नहीं है, मतलब आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। 90% इनएक्टिव होता है, लेकिन 10% जो एक्टिव होता है उसमें प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस, या मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, या परमानेंट ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इम्यूनिटी, अगर आपका एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है या अगर आपका अनट्रीटेड रहा तो इसमें सर्वाइव भी कर सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। अगर ट्रीटेड है तो आप सही रहेंगे। ये क्योर हो जाएंगे। इसमें आपको डॉट शो करना होता है, मतलब किसी के सामने आपको अपनी जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस टैबलेट है वो लेनी होती है। इनहेल इन्फेक्टेड टीबी ड्रॉपलेट, देखिए कैसे इनहेल हो, यहाँ पे लंग्स में ये जा रहे हैं, सेटल थ्रू आउट द ईयर वे, आपने इनहेल किया ये आपका सेटल हो गया ईयर वे में। देन जो मेजोरिटी है वो आपके अपर पार्ट जो होता है ईयर वे में, उसी में आपके ट्रैप हो जाएंगे, जो नीचे सेपरेटिंग ड्रॉपलेट फैल रहा है। जो मेकर्स है वो एक्सपेल करता है बाहर एज अ फॉरेन इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप बच जाएंगे। अगर डेसिलाइज सर्वाइव कर गए हैं तो क्या करेंगी, आपके एलवोलाई में जाएंगी, वहाँ पर अपर लोब्स में जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम होता है साइड एयर का। ये आपका एकदम से ये एल्वियोलो मैक्रोफेज इसे सराउंड कर लेता है और एंगल फैगोसाइटोसिस कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। मेजोरिटी ऑफ बैसिलाई आपके डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ये देखिए एक मैक्रोफेज है, एल्वियोलो मैक्रोफेज, इसमें फैगोसाइटोसिस हो जाता है, फैगोसोम में, ये आपके आ गया है इसमें लाइसोसोम में, फैगो लाइसोसोम है, ये देखिए फैगोसोम है।
But if the defense system of the host fails to eliminate the infection, अगर host आपका fail हो गया है bacilli को kill करने में, जो bacilli है वो आपका lysosomal delivery से एक्टिव होगा और सर्वाइव करेगा मैक्रोफेज में, देन वहाँ पे प्रोलिफरेट होगा और एल्वेलर मैक्रोफेज में और उसको kill कर देगा, देन ये प्रोड्यूस करता है गॉन फोकस या गॉन ब्लेसन, जो आपके पल्मोनरी पैरेन्काइमा में प्राइमरी ब्लेसन होते हैं जो सबक्लूडल होते हैं, ये टिपिकली 1 सेंटीमीटर ग्रेस और सर्कमसाइज नोड्यूल्स होते हैं। ओके, ये आपका बाहर निकल गया है, ये आपके देखिए यहाँ पे सर्वाइव हो गया है। देन जो इन्फेक्शन मैक्रोफेज है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव हो रहा था, वो साइटोकाइन और केमोकाइन से प्रोड्यूस करता है, ये अदर फैगोसाइटिक सेल्स पर अटैक करता है, जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, टेलिफोसाइट, एलिफोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह। देन जब आपका इम्यून सिस्टम अनेबल रहता है इस फॉरेन बॉडी को एलिमिनेट करने के लिए, तब ये जो है फ्यूज हो जाते हैं, एक जॉइंट सेल बनाते हैं नोडुलर ग्रैनुलोमेट्रिक स्ट्रक्चर की, जैसे हम ट्यूबरकल ग्रैनुलोमा कहते हैं। ये ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो रहा है फाइटोसिस्ट स्टेज में, ये ब्रोंकियोला ऊपर, नीचे ट्यूबरकल ग्रैनुलाई दिखा रहे हैं बीच में एल्वियोलाई के, ये देखिए आपका जॉइंट सेल है, मल्टीन्यूट्रिएंट जॉइंट सेल है, इसमें एपिथेलियल सेल, टी सेल और माइकोबैक्टीरियम दिखा रखा है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम एडिक्वेट है, मतलब सफिशियंट है, तो जो सेंटर है ग्रैनुलोमा का जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डाई कॉज नेक्रोसिस इन द सेंटर ऑफ ट्यूबरकल, जो ट्यूबरकल के बीच में ही नेक्रोसिस हो जाता है सेकेंड वीक में, जो नेक्रोटिक एनवायरनमेंट है वो कहलाता है सीजिएटेड नेक्रोसिस, उसमें क्या होता है आपका सी सॉफ्ट सीज की तरह ये बन जाता है, बस कुछ बहुत सालों तक वायरल करते हैं। ये जो सीजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, फाइब्रोब्लास्ट, टी सेल्स, मैक्रोफेज, सीजियम, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ये आप देख सकते हैं। जैसे इसमें फाइब्रोब्लास्ट आपके ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, देन टी सेल्स आपके रेड रेड हैं, मैक्रोफेज आपके जो ब्लू ब्लू हैं, सीकम आपका ये ग्रीन ग्रीन है, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, इसलिए यहाँ पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट देखिए सीजिएटिंग ग्रैनुलोमा दिखा रखा है, इसमें एग्रीगेशन दिखा रखा है एपिथेलियल सेल का, सेंट्रल सीजियस नेक्रोसिस दिखा रखा है, कंप्रेस्ड दिखा रखा है। ओके, देखिए सीजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, सीजिएटिंग ग्रैनुलोमा जनरली फर्दर अंडरगो श्रिंकेज, फिगर, इसके रिंग एंड कैल्सिफिकेशन होगा, देन रेस्ट्रिक्ट फर्दर ग्रोथ, जिससे क्या होगा आपका लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होगा। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन क्या होगा, अगर आप ईयर के थ्रू आप माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लेते हैं तो वो 95% आपका लेटेंट इन्फेक्शन बनता है, 5% रीएक्टिवेट होता है। जनरली फर्दर अंडरगो श्रिंकेज, ये मैं बता चुकी हूँ। अगर बैक्टीरियल रेप्लिकेशन आपका कंट्रोल में नहीं है तो जो ट्यूबरकल है वो एनलार्ज हो गया, बैक्टीरिया आपका लोकल ग्रेनिंग लिम्फ नोड में एंटर करेगा, जो एक्सलेटरल रीजनल लिम्फ नोड करेगा, मतलब सेम साइड आपका लिम्फ नोड में इफेक्ट करेगा, जिससे आपको लिम्फ एडिनोपैथी होगी, ये आपका फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रैनुलोमा मार्क करते हैं, अंडर सीवियस नेक्रोसिस होता है इसमें। ये दोनों मिलकर गॉन कॉम्प्लेक्स बनता है, गॉन फोकस जो गॉन ब्लेसन्स बनते हैं, और लिम्फ नोड अगर आपके टीबी हो गया तो गॉन कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसमें पैरेन्काइमा लंग्स ब्लेसन होता है, नोडल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो गॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसमें। गॉन कॉम्प्लेक्स आफ्टर अंडर गोइंग प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस प्रोड्यूस रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेबल कैल्सिफिकेशन होता है, इसमें हम रैंकिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जैसे ये एक रैंकिन कॉम्प्लेक्स है। गॉन फोकस यानी कि लिम्फ नोड, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं गॉन कॉम्प्लेक्स, सबटेबल और लोअर लोब में होता है, रैंकिन कॉम्प्लेक्स है आपका। कैल्सिफाइड पेरिफेरल ग्रैनुलोमा, ये ब्लैक एरो से जो दिखाता है कैल्सिफाइड पेरिफेरल ग्रैनुलोमा, कैल्सिफाइड हाइलर लिम्फ नोड,
ओके देन इनएडिक्वेट इम्यून सिस्टम है तो प्राइमरी लेजेंस आपका प्राइमरी प्रोग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस बनेगा और ये एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस बनाता है जिसे हम टीबी डिजीज कहते हैं। अगर आपकी इम्यून सिस्टम लेस लो है तो ये आपको एक्टिव टीबी होगा। देन देखिए ये है आपका लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, जो लेसन्स है वो आपका प्रोग्रेस होता है और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस बनाता है, मतलब पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। एक बार हो गया उसके बाद अगर आपको रीएक्टिवेशन होता है, दोबारा आपको इन्फेक्शन होता है तो हम सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रीएक्टिवेशन हो जाएगा बाहर से आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, सॉरी अंदर से अगर आपका एक्टिव हो गया या फिर बाहर से कोई इन्फेक्शन हो गया तो हम कहते हैं एक्टिव टीबी या टीबी डिजीज। देन एक्टिव टीबी इनिशिएट ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन इज अनसक्सेसफुल, जो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन है वो नहीं बना। देन क्या होगा, नेक्रोटिक टिश्यूज आपके लिक्विफाई हो जाएंगे और एक फाइब्रस वॉल है वो आपका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को लॉस करेगा। नेक्स्ट इसमें फोकस एनलार्जेस रैपिडली, इरोड द ब्रोंकियल ट्री अकंपनीड बाय हाइलर लिम्फ नोड चेंजेस होगा। देन इरोड थ्रू वॉल ऑफ द ब्रोंकस प्रोड्यूसिंग ट्यूबरकुलस निमोनिया प्रोड्यूस करता है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हीमोस्टाइसिस करती हैं और जो ड्रॉपलेट है वो आपके खांसी के द्वारा आपका बाहर आता है फ्रॉम ब्रोंकस और इंफेक्ट करता है दूसरों को। इंफेक्शन इम्यून सेल्स आपका एक बैरियर सेल बनाता है, जैसे बैसिलाई है अगर आपका लंग्स में तो एक इम्यून सेल फॉर्म बैरियर सेल बनाएगा, तो सेल आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी और ट्यूबरकल आपका एस्केप हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा ये। नेक्स्ट इसमें कैविटी बनेगी आपके ओरिजिनल साइट में, देन जो एयर है वो आपका एंटर करेगी कैविटी में और इनएक्टिव बैसिलाई को रेप्लिकेट करेगी, उन्हें बढ़ाएगी। देन स्प्रेड होंगे लंग से आपके दूसरे पार्ट में जाएंगे और थ्रू ब्लड और लिम्फ सिस्टम के थ्रू, देन रिजल्टिंग एडिशनल सैटेलाइट वेसल्स होंगे पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट में जाएंगे। इन सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट लिम्फ नोड में फिस्टुला ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस या अदर सेरेब्रल स्पिन एड्रेनल ब्रेन बोन मैरो में जा सकते हैं, इसे कहेंगे हम डायसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस या मेलियरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, डायसेमिनेटेड लंग्स ट्यूबरकुलोसिस है, यहाँ डायसेमिनेशन हो रहा है। डायसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसमें कॉन्करेंट इन्वॉल्वमेंट होता है टू नॉन कॉन्टिजियस ऑर्गन साइट का, मतलब कोई भी ऑर्गन साइट जो भी बॉडी के अंदर स्प्लीन हो गया है, लीवर हो गया है, इनमें अगर आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या आपका ब्लड या बोन मैरो में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बाय ट्यूबरकुलोसिस प्रोसेस से तो हम डायसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। डायसेमिनेटेड नोड्यूल्स में क्या क्या होता है, सेंट्रल सीरियल नेक्रोसिस होगा, पेरिफेरल ब्लड होगा, पीथिलॉइड होगा और फाइब्रस टिश्यूज होगा। आपको ये रेडियोग्राफिकली में कोई कैल्सिफिकेशन नहीं दिखेगा। वन फॉर्म ऑफ डायसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस क्या है, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस मिलेट के फॉर्म में, क्योंकि जो होता है बिल्कुल वैसे आपको छोटे छोटे अपने सीड की तरह आपको दिखेगा। ये 1 to 2 mm होता है, ग्रैनुलोमा जो होता है मिलेट सीड की तरह दिखता है, येलोइश फॉर्म एरिया विदाउट सीजेशन। मिलेरी पैटर्न जो होता है वो हॉलमार्क होता है मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस का। मैनी टीनेज स्पॉट्स होते हैं आपके पूरे लंग्स फील्ड में जो आपके मिलेट सीड की तरह दिखते हैं। देखिए दिस इज द मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस, आप देख सकते हैं इसमें आपको छोटे छोटे जैसे सीड लाइक दिखेंगे, मिलेट सीड लाइक पैटर्न। ये ट्यूबरकुलोसिस दिखा रखा है कि अगर दूसरे पार्ट में अगर आपका हो जाता है जैसे लीवर स्पीन पैटोनियम एटेंडन हर एक पार्ट में हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मोस्ट केस में ए सिम्टोमेटिक। द सिम्टम्स ऑफ एक्टिव टीबी आर वेरी वेरिएबल डिपेंड ऑन द बॉडी पार्ट, आपका डिपेंड करता है कौन से बॉडी पार्ट में आपका इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये डिफिकल्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस को कि ये आपको डायग्नोज करना सिर्फ सिम्टम्स में, आपको इसमें टीबी टेस्ट करना होगा। एक्टिव ट्यूबर तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स हैं, इसमें आपको 3 वीक से ज़्यादा आपको क्रॉनिक कफ है स्पीटम प्रोडक्शन के साथ, ये होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, ग्लो ब्रेड नाइट्रेट वेट लॉस हिमोप्टाइसिस चेस्ट पेन होना चाहिए, फैटीग जैसे डिस्निया कफ होना चाहिए, आफ्टरनून फीवर होना चाहिए, वेट लॉस ब्लड स्टेन स्पीटम और नाइट स्वेट होना चाहिए, रात में पसीना आना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप, क्लिनिकल प्रेजेंटिव सिम्टम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम प्रीवियस ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं था, डायग्नोस्टिक इमेजिंग बैक्टीरियोलॉजी स्मीयर कल्चर पैथोलॉजी और बायोप्सी स्पेसिमेन एपिडेमियोलॉजी फैक्टर्स स्पीटम टेस्ट टीबी स्किन टेस्ट मोंटॉक्स टेस्ट करते हैं,
टीबी ब्लड टेस्ट करते हैं जब कफ ऑफ ग्रेटर देन 3 वीक्स विद स्पिटम प्रोडक्शन शुड अंडरगो इन्वेस्टिगेशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर 3 वीक से ज़्यादा आपको कफ आ रहा है फिर स्पिटम प्रोडक्शन, तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। पहले आपको स्पिटम स्मीयर करना चाहिए, स्पिटम टेस्ट में आपको स्पिटम स्मीयर करना चाहिए पहले, फिर स्पिटम कल्चर करना चाहिए, फिर जीन एक्सपर्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो आपको ये करना चाहिए। तो हम पहले स्पिटम स्मीयर देखते हैं, इसमें 3 स्पिटम एग्जामिनेशन लेते हैं। तो फर्स्ट स्पॉट स्पिटम होता है जब आप इसमें आए हैं दिखाने, तो उसी टाइम पे ले जाता है। फिर सेकेंड आपको सेकेंड डे में अर्ली मॉर्निंग में लिया था, और थर्ड डे में फिर अर्ली मॉर्निंग में लिया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, इसमें हाइपरटोनिक सलाइन होता है, ब्रोंको एल्वेलर लेवास से आप इसे इंड्यूस कर सकते हैं, ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी या गैस्ट्रिक लेवास से आप इसे इंड्यूस कर सकते हैं। स्पिटम कल्चर वेरी एक्यूरेट होता है 80%, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसका रिजल्ट आने में, और इसमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज होते हैं। लेकिन ये जो आपका टेस्ट है जीन एक्सपर्ट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसमें आपको ऑटोमेटिक न्यूक्लिक एसिड एप्लीकेशन टेक्निक यूज होती है, हाई सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी है, और ये आपका रिसेप्शन रेजिस्टेंस भी बताता है। नेक्स्ट इसमें स्पीटम स्मीयर टेस्ट कर लेंगे, आपका 3 वीक से ज़्यादा कफ आना चाहिए, स्मीयर भी होना चाहिए 3 वीक तक। अगर 1/3 पॉजिटिव है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिएगा, 2/3 पॉजिटिव है तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट लीजिए, अगर नेगेटिव है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक खाइए 10 to 14 डेज तक। सिम्टम अगर आपको दिखते हैं और स्मीयर आपको रिपीट होता है देन आप एक्सरे कराइए इसमें, और अपना टीबी का अपना वो कराइए ट्रीटमेंट। वाइड माउथ स्टेलाइज कंटेनर लेंगे, ठीक है, आपको स्पीटम ऐसे कलेक्ट करना है, अपना माउथ क्लियर कीजिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, कि उन्हें ब्रीथ इन एंड आउट करना है 3 बार, देन आपको स्पीटम सैंपल लेना है। मोनोटॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्या होता है, इसमें 2 विजिट होती हैं। जब आप ये टेस्ट फेस करते हैं तो फर्स्ट विजिट में जाएंगे, देन सेकेंड विजिट में आपको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको ये टेस्ट 48 और 72 आवर्स लेटर बताएगा। स्टैंडर्ड डोज जो होती है इसकी 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट होती है, तो उसमें इंजेक्ट किया जाता है, इंट्राडर्मली किया जाता है। तो ये रिजल्ट है आपका, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द रेज, हार्ड एरिया और स्वेलिंग कितनी हुई है। लेकिन जो पर्सन है वो एक BCG या वैक्सीन अगर लिए हुए है तो इसमें आपको पॉजिटिव स्किन रिएक्शन दिखेगा। टेस्ट जो है वो सब टेस्ट होगा बाय द फॉलोइंग कंडीशन, अगर आपको ये सब है तो आपका टेस्ट सब टेस्ट हो जाएगा, जैसे इंफेक्शन मोनोन्यूक्लियस है, या 3 वीक के अंदर लाइवरी वैक्सीनेशन लिया आपने, या MMR वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन लिया, या कोई डोसेस है, हॉटसिन डिजीज है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ली है, तो इसमें आपका ये टेस्ट आपका सप्रेस हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपका इक्विटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, इसमें आपको 72 आवर्स के बाद रेट करना होता है। इंजेक्शन साइज आपका 5 to 10 mm है। फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स फॉल्स में ए टिपिकल माइक्रोबैक्टीरियम हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव में म्यूटेशन हो सकता है, एचपी वायरल हो सकता है, ठीक है, और BCG गिव पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए मॉन्टेक्स टेस्ट ये कि आपको कितना वाइड हुआ है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना MM आपका ये हुआ है। देन चेस्ट एक्सरे में इनिशियल फोकस ऑफ इंफेक्शन सीन एनीवेयर विद इन द लंग्स, पोस्ट प्राइमरी फोकस सीन एट पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब, अपर लोब के पोस्टीरियर सेगमेंट में दिखेगा, और लोअर लोब के सुपीरियर सेगमेंट में आपको ये दिखता है। फाइंडिंग दैट कैन सजेस्ट सेप्टिक ट्यूबरकुलोसिस कंसोलिडेशन कैविटी नोड्यूल विद क्लियरली डिफाइंड मार्जिन, क्लियर लिफ्यूजन, हाइलर या मेडिस्टेनल लिम्फोडेनोपैथी, मेजर ट्यूबरकुलोसिस, लीनियर इंटरस्टिशियल डिजीज हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस में इमेजिंग फाइंडिंग दिखेगा, कंसोलिडेशन दिखेगा, कैविटी दिखेगी, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइलर लिम्फोडेनोपैथी, माइलर ट्यूबरकुलोसिस, कैल्सिफिकेशन, ग्रैनुलोमा और फाइब्रोसिस, ये सब आपको दिखेगा। ये कंसोलिडेशन में क्या होगा, तो इसमें एरिया ऑफ वाइट लंग्स आपको दिखेगा, क्योंकि आपके जो एरिया है वो रिप्लेस हो गई है बाय लिक्विड, जो एरिया है वो लिक्विड में आपकी रिप्लेस हो जाए तो वो क्या होगा, आपका कंसोलिडेशन कहलाता है, या फिर डेंस भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, इरेगुलर इनडिफाइंड भी हो सकता है। लोअर कंसोलिडेशन है तो इसमें आपका ये लंग्स पीछे में दिखता है। देन डिफ्यूज कंसोलिडेशन है तो ये आपका डिफ्यूज मतलब फेरी हाइलर या फेरी फेरी में दिखेगा, बैट गेंद जैसा हमने बताया था। देन मल्टीफोकल इल डिफाइंड कंसोलिडेशन में मल्टीपल एरिया में आपको ओपेसिटी दिखेगी।
देन देखिए कंसोलिडेशन में यहाँ पर आपको एरिया ऑफ वाइट वेंस दिखेंगे, जैसे आपने रेड वेंस देखा है ये एप्टेंस दिखेगा आपको। लेकिन क्रोनिक इयोसिनोफिलिक निमोनिया में आपको रिवर्स रेड वेंस एप्टेंस दिखता है। कंसोलिडेशन इनफिल्ट्रेट एरिया ऑफ वाइट लंग रेड विंग एपियंस है। ट्यूबरक्लोसिस निमोनिया कैविटी देखिए, कैविटी आपको ये ऐसे दिखेगी जिसमें डार्कन एरिया विद इन द लंग पैरेन्काइमा विद और विदाउट इरेगुलर मार्जिन दैट माइट बी सराउंडेड बाय एन एरिया ऑफ एसिडिक कंसोलिडेशन और बाय नोडुलर फाइब्रोटिक डेंसिटी और बोथ बोथ सराउंडेड द लेसेंट एरिया कैन बी थिक और थिन। कैल्सिफिकेशन कैन एग्जिस्ट अराउंड द कैविटी। ये आपकी कैविटी है यहाँ पर। ओके दिस इज कैविटी दिखाता है। नोड्यूल स्मॉल राउंडेड ओपेसिटीज विद इन द पल्मोनरी इंटरस्टीशियम। देखिए यहाँ पर बता रखा है, जैसे ये आपका कंसोलिडेशन दिखा रखा है, ये इंटरस्टीशियल है। दिस इज नोड्यूल, दिस इज मास, दिस इज कैटलेप्सिस। ओके दिस इज नोड्यूल, इसमें नोड्यूल दिखा रखा है। ये हील्ड प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें गॉन फोकस दिखा रखा है। प्लूरल इफ्यूजन, लंग्स में आपका फ्लूड भर जाता है वो दिखा रखा है। इसमें हाइलर मेडेस्टिनल लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड आपका एनलार्ज हो गया है वन और बोथ हाइलम। देन लीनियर इंटरस्टीशियल डिजीज है, प्रोमिनेंस ऑफ लीनियर इंटरस्टीशियल मार्किंग दिखा रखी है। मिलियरी में मिलियर साइज सीड लाइक पैटर्न है। देन चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग दैट कैन सजेस्ट इनएक्टिव टीबी, इसमें डिस्क्रीट फाइब्रोटिक स्कार दिखता है, लीनियर ओपेसिटी दिख रही है बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल, आपको देखिए ऐसे लाइनिंग की तरह आपको ओपेसिटी दिख रही है इसमें। ओके ये डिस्क्रीट नोड्यूल्स हैं, आपको नोडूल्स दिखेंगे इसमें। डिस्क्रीट फाइब्रोटिक स्कार विद वॉल्यूम लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन, विद वॉल्यूम लॉस ऑफ एक्सट्रैक्शन ये अदर्स हैं। टीबी ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एक्सरे टू टीबी ब्लड टेस्ट है, इसमें क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड इन ट्यून टेस्ट है, क्यूएफटी जीआईटी डेंटी स्पॉट टीबी टेस्ट। ब्लड टेस्ट इन टीबी हम करते हैं, टीबी गोल्ड टेस्ट हो जाएगा। इसमें टेस्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय बीसीजी वैक्सीन, तो ये आपका बहुत यूजफुल होता है अगर आपको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है बीसीजी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में। देन आपका अदर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इसमें टीबी के कराए एलएफटी आरएफटी ओके सीटी स्कैन करवा सकते हैं। देन मैनेजमेंट मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी है, इसमें WHO ने बताया है फर्स्ट लाइन ओरल टी बी ड्रग से आपका रिफेनिसिन आइसोनियाजिन पाइरोजिनामाइड एथंबुटोल आपको फर्स्ट लाइन ओरल टी बी टैबलेट है ड्रग्स हैं। देन सेकेंड लाइन में आप लोग को क्लिनिनोज टी बी ड्रग्स लीवोफ्लॉक्सासिन मॉक्सिफ्लॉक्सासिन जेटमाइसिन क्लोक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। देन सेकेंड लाइन में आप इंजेक्टेबल टी बी ड्रग्स जैसे हैं क्लिनोमाइसिन एनिकामाइसिन सेप्टोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है सेकेंड लाइन में आप अदर को दे सकते हैं, जैसे इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड साइक्लोफेरिन पेरिजिनाडोन लाइनिजोलाइड और क्लोफेजिमाइड। सेकेंड लाइन में आप दे सकते हैं पाइराजिनामाइड कैंबिटोल हाइडोज आइसोनियाजिड डेटाक्विलीन डेलामेनामाइन ये सब आप दे सकते हैं इसमें। अगर देखिए न्यू केस है आपका एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी अगर 4 वीक से कम भी है या कभी ट्रीट नहीं किया गया है ट्यूबरकुलोसिस तो इसमें न्यू केस कहते हैं। ड्यू पीरियड केस मतलब कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है या रिलैक्स हो गया या डीएक्टिवेशन हो गया, इसमें हम रीट्रीटमेंट केस कहते हैं। मोनो रेजिस्टेंस क्योंकि एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के लिए फर्स्ट लाइन जो होता है जैसे रिफेनिसिन के लिए या फिर आइसोनियाजिड के लिए कोई रेजिस्टेंस है तो उसमें मोनो रेजिस्टेंस करेंगे। पोलर रेजिस्टेंस में मोर देन वन फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स हैं,
आइसोनिया वगैरह रिफेंसिन को छोड़ के, ठीक है, जैसे पायरा मिथाजिनामाइड है तो उसको अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें पॉलो रेजिस्टेंस है, रिफेंसिन रेजिस्टेंस है तो उसमें सिर्फ रिफेंसिन के लिए रेजिस्टेंस होता है। ओके, अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है, इसमें हम देखते हैं कि आइसोनियाज़िड और रिफेंसिन विद और विदाउट रेजिस्टेंस अदर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसमें आइसोनियाज़िड और रिफेंसिन के लिए ही ये रेजिस्टेंस है, तो उसमें हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यूज करेंगे। देन एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस में जिनका बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो है वो रेजिस्टेंस है फ्लुकोपिनिनोज और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल एंटी ड्रग आपका जो होता है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है उसमें आपके यूज करेंगे एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। आप देखिए यहाँ पे 2015 गाइडलाइन दे रखी है, अगर इनिशियल फेज है और ये कंटिन्यूशन फेज है, न्यू फेज है, बिल्कुल न्यू भी है तो उसमें आप ले सकते हैं टू रिसेंसिन आइसोनियाज़िड पायराज़िनामाइड और एथेम्बिट्रोल देंगे। देन फोर में, फोर दिन कंटिन्यूशन में फोर आप देंगे रिफेंसिसिन और आइसोनियाज़िड और एथेम्बिट्रोल। देन प्रीवियसली ट्रीटेड है मतलब पहले ली गई है या आपका रिएक्टिवेशन हो गया तो उसमें दो देनी है, आइसोनियाज़िड देना है, रिफेंसिन पायराज़िनामाइड एथेम्बिट्रोल और इंजेक्शन देना है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, और एक देना है आपको एच आइसोनियाज़िड रिफेंसिसिन पायराज़िनामाइड और एथेम्बिट्रोल। देन फाइव देनी कंटिन्यूशन में आइसोनियाज़िड रिफेंसिसिन एथेम्बिट्रोल। इन रिफेंसिन रेजिस्टेंस है तो इसमें रिफेंसिन नहीं देंगे हम। सिक्स टू नाइन आपको देनी है क्या कैनामाइसिन देना है और लिवोफ्लॉक्सासिन देना है, इथियोनामाइड देना है, साइक्लोसेरिन देना है, पायराज़िनामाइड एथेम्बिट्रोल आइसोनियाज़िड। देन कंजुगेशन में 18 देनी है आपको लिवोफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड और साइक्लोसेरिन, एथेम्बिट्रोल एंड आइसोनियाज़िड। देन अगर आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है तो 59 आपको ले लेना है, कैनामाइसिन देना है, लिवोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन देना है, इथियोनामाइड देना है, देन साइक्लोसेरिन देना है और पायराज़िनामाइड देना है, एथेम्बिट्रोल देना है। देन कंटिन्यूशन फेज में 18 आपको लिवोफ्लॉक्सासिन देना है, इथियोनामाइड देना है और साइक्लोसेरिन देना है, एथेम्बिट्रोल देना है। देन अगर आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस है तो उसमें 15-12 आपको देना है सेप्टियोमाइसिन देना है, देन पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड देना है, मॉक्सीसॉक्सासिन हाई डोज देना है आपको, आइसोनियाज़िड सीएफएक्स में आपको फ्लोफेजीमाइन देना है, लाइनिजोलाइड देना है और एमोक्सिक्लैब देना है। देन एक कंटिन्यूशन 18 PAS पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड मॉक्सीसॉक्सासिन हाई डोज ऑफ आइसोनियाज़िड देना है, CFS में फ्लो फेजीमाइन देना है और लाइनिजोलाइड देना है और एमोक्सिक्लैब देना है। ये आपको टेबल याद करनी है, ये वेट बेस्ड ओरल एंटी टीबी ड्रग है। इसमें अगर देखिए आइसोनियाज़िड है तो 4 to 6 टाइम की पड़ जाएगी, वंस डेली लेना है। तो अगर देखिए कॉमन देखते हैं जैसे 46 to 55 kg अगर हम लेते हैं तो 300 mg आइसोनियाज़िड देना, 450 mg देना, तो पायराज़िनामाइड 1200 mg देना, तो ये सब आपको वेट के अकॉर्डिंग है। ओके, इन्हें आप देख लीजिएगा। WHO ने अप्रूव टेस्ट डोज कॉम्बिनेशन बताया एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स का, आइसोनियाज़िड 150 mg, एथेम्बिट्रोल 400 mg, रिफेंसिन 60 mg देना है, आइसोनियाज़िड 30 mg देना है। ओके, रिफेंसिन में आइसोनियाज़िड और पायराज़िनामाइड 60 mg, 30 mg और 150 mg, या फिर 150 mg, 75 mg, 400 mg दे सकते हैं आप। रिफेंसिन आइसोनियाज़िड पायराज़िनामाइड एथेम्बिट्रोल 150 mg आइसोनियाज़िड, 75 mg पायराज़िनामाइड, 400 mg एथेम्बिट्रोल, 75 mg देते हैं। ये वही बता रखा है आपका कि हमें कितना कितना देना है इसमें।
साइड इफेक्ट दिखा रखे हैं, जैसे कि पेंसिल में तो एनोक्सिया, नोविया, एब्डोमिनल पेन होगा, पाइराज़ोनामाइड में जॉइंट पेन होता है, एसिनेज़िड में बर्निंग सेंसेशन होती है, फ्यूट में डिफेंसिन में ऑरेंज रेड कलर यूरिन होगा। अगर मेजर है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपको स्किन ईचिंग होगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन से आपको डीपनेस फील होता है, डिजीनेस फील होता है, ठीक है। देन आपका जॉन्डिस भी हो सकता है इनसे, और विजन इंक्रीमेंट हो सकता है कंप्यूटर से और कंपनी से, तो इस तरह जनरलाइज हो जाएगा शॉक से इस तरह। एंड डॉट्स क्या होता है? डॉट्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये अपना जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वो किसी के प्रेजेंस में लेना होता है, ठीक है। कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। सस्टेन पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, टीवी कैन बी क्लोज एंड एपिडेमिक डिवर्स इफ एडिक्वेट रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फॉर टीवी कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ पर वही सब बता रखा है उन्होंने। ऑल पेशेंट शुड रिसीव देयर डेली टीवी ड्रग अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अंडर डॉट्स जो पेशेंट होते हैं उन्हें टीवी मेडिकेशन लेना होता है, क्योंकि डॉट एजेंट के, डॉट एजेंट कौन होता है? कोई वॉलंटियर हो सकता है, पेशेंट कम्युनिटी के या फैमिली मेम्बर है। डॉट को ये पता नहीं रहता है कि वो कौन सा ड्रग ले रहा है, देखिए कोई भी ले सकता है किसी बच्चे के सामने अपने। द पावर ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन हिज शुक्र एंड द लाइफ ऑन मन, जो मतलब राजयोग क्षमा के जो पेशेंट होते हैं वो उनकी जो शक्ति होती है वो किसको डिपेंड करती है? शुक्र पे और उनके मल पर डिपेंड करती है, इसलिए हमें शुक्र और मल की सुरक्षा करनी चाहिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर करना चाहिए। थैंक यू।